हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे एक्सेस डिमांड क्या होता है, रीजंस फॉर द एक्सेस डिमांड, इंपैक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड, ये सब अपन आज कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने मल्टीप्लायर समझा था, मल्टीप्लायर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन एक्सेस डिमांड से। एक्सेस डिमांड क्या होती है, ये सिचुएशन जब आती है जब मार्केट में क्या है, अपना आउटपुट फिक्स होता है, मतलब सप्लाई फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास वीट है, अपन को पता है अपन उसकी 200 टन ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये अपन को पता है। मतलब ये अपनी क्या हुई, एग्रीगेट सप्लाई हुई, टोटल सप्लाई हुई। अब इसके अंदर क्या होता है, जब डिमांड बढ़ जाती है इसकी, ठीक है, पहले लोग कर रहे थे 200 टन की डिमांड कर रहे थे और उतना इकोनॉमी प्रोड्यूस भी कर रही थी, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी रीज़न से, फॉर एनी रीज़न क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है मार्केट की, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, उससे क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, उससे प्राइस बढ़ जाएगी। तो मतलब वो सिचुएशन जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब जैसे 200 टन सप्लाई है, वहाँ पे क्या हो रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड किससे बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ रही है। इस सिचुएशन में क्या होता है, एक्सेस डिमांड होती है, ठीक है। एक्सेस डिमांड समझ गए अपन, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, फिक्स है। मतलब अपन ने इसे पहले वाली वीडियो में देखा था, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, वहाँ पे किस किस चीज़ों का डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ पे अपन को मिलता है आउटपुट, अपना एम्प्लॉयमेंट और अपनी इनकम। तो मतलब वो जहाँ पे होता है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इससे ज़्यादा अपन बढ़ा नहीं सकते। तो वो क्या रहेगी, उस टाइम एग्रीगेट सप्लाई फिक्स रहेगी, उससे ज़्यादा अपन बढ़ा नहीं सकते। बाकी क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। तब जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, वहाँ पे क्या हो जाती है, एक्सेस डिमांड हो जाती है, ठीक है। ये होता है एक्सेस डिमांड। आगे चलते हैं अपन, देखते हैं नॉर्मल सिचुएशन कब होती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। जैसे ये जगह है, जहाँ पे क्या होता है, पेन चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, समझ गए, ये मेन अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे किस किस चीज़ का डिटर्मिनेशन हो रहा है, इनकम का, आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का हो रहा है। अब क्या होता है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कब होती है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाती है। ये एग्रीगेट सप्लाई है अपनी, ठीक है। अब क्या हो रहा है इस जगह, अब क्या हो रहा है, ये डिमांड बढ़ गई और ये कैसे ऊपर शिफ्ट हो गई। अब ये किसकी वजह से चेंज हुई, इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के। बाकी अपन मान के चलते हैं, अपन इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, अपन ये मान के चलते हैं। और ये कर्वे किसका, एग्रीगेट सप्लाई का। अब क्या होता है, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, ये जो गैप आएगा, ये गैप कहलाता है इन्फ्लेशन का गैप, इन्फ्लेशन का। अब आप बोलोगे इन्फ्लेशन मतलब, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस में राइज होना। वो कैसे, इसका अपन एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल टोमेटो चल रहे हैं, टोमेटो क्या चल रहे हैं, उनका प्राइस बहुत हाई चल रहा है, क्यों, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से। तो अपन ये मान के चल सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ती है कब, जब उसकी एग्रीगेट सप्लाई कम रह जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, तो उस चीज़ की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन वीट की बात करते हैं, जब क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है वीट की, तब इसकी क्या बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है, सप्लाई तो फिक्स है, समझ गए अपन। अपन ने 11th क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब सप्लाई कम रह जाती है और डिमांड बढ़ जाती है तब क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है चीज़ों की, ठीक है। उसे क्या करेंगे, लोग कम कंज्यूम करेंगे और कम कंज्यूम करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएंगे। इसके अंदर भी लगभग सेम चीज़ वैसी ही होती है, अपन ऐसा मानते हैं। तो ये मान लो कि जैसे ही डिमांड बढ़ी तब क्या हो गई, प्राइस बढ़ गई। इसलिए अपन कह सकते हैं द एक्सेस डिमांड राइजेज द जनरल प्राइस लेवल, यानी इन्फ्लेशन को बढ़ा देती है, मतलब महंगाई बढ़ा देती है। फिर अपन बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे क्या आएगा, इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। वो देखो, ये जो गैप है, इसको हटाता हूँ सबको, ये जो गैप है, ये वाला, ये क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब यहाँ पे
प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, ये कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। किसकी वजह से आता है ये? एक्सेस डिमांड की वजह से आता है। इन्फ्लेशनरी गैप व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द लेवल ऑफ आउटपुट एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, देन द गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, तब उस गैप को अपन क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। तो ये जो सारा गैप है, ये जो पूरा गैप है, ये क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप है, ठीक है, समझ गए अपन, आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं रीजंस फॉर द एक्सेस डिमांड, मतलब एक्सेस डिमांड मतलब ज़्यादा डिमांड होने के रीजंस क्या क्या है। अब अपन बात करते हैं ड्यू टू राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब अपना कंजम्पशन जब अपन बढ़ा देते हैं तब क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अपन ये मान के चल सकते हैं कि जैसे किसी की इनकम थी 1 लाख रुपीज़, वो कंज्यूम कर रहा था 50,000 और 50,000 वो क्या कर रहा था? सेव कर रहा था, अपन ये मानते हैं। अब क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? वो 70,000 की डिमांड कर रहा है, ठीक है, उसने कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया 70,000 का। अब जो वो 30,000 एक्स्ट्रा की डिमांड कर रहा है वो क्या हो जाएगी? एक्सेस डिमांड हो जाएगी, मतलब उतनी तो सप्लाई मार्केट में थी नहीं, अब वो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है तो उसे क्या हो जाएगी? एक्सेस डिमांड हो जाएगी और उससे प्राइस बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं ड्यू टू रिडक्शन इन टैक्सेस, मतलब टैक्सेस में रिडक्शन हो जाता है। टैक्सेस में रिडक्शन होने के कारण प्राइस कैसे बढ़ जाती है वो देखो, वो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल पहले इंसान जो 1 लाख रुपए कमा रहा था वो कितना टैक्स दे रहा था? 20,000 टैक्स दे रहा था। अपन एग्जांपल मान के चल रहे हैं, इतना सारा टैक्स नहीं देते, बाकी एग्जांपल मान के चलो कि वो 20,000 टैक्स दे रहा था। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने रिडक्शन दिया इसमें टैक्स में और उन्होंने कहा कि हम आपसे सिर्फ 8,000 रुपये टैक्स लेंगे और आपको क्या करना है? बाकी आपके, आप मत देना। तो जो इसके अंदर चेंज आया, 12,000 रुपये जो बचे, जो वो टैक्स में देता था पहले, बाकी अब टैक्स में नहीं दे रहा है, वो किस काम आएंगे? वो कंजम्पशन के काम में आएंगे। वो सोचेंगे यार 12,000 रुपये बच रहे हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ ऐशो आराम का खरीदते हैं, चीज़ें कंजम्पशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा डिमांड हो जाएगी। एक्स्ट्रा डिमांड क्या हो जाती है? एक्सेस डिमांड हो जाती है और उससे क्या बढ़ेगी? प्राइस बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अपने देखा जब गवर्नमेंट आई है यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है तब क्या बढ़ जाती है? इनकम बढ़ जाती है, मतलब लोगों की इनकम बढ़ जाती है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, कितने गुना? बहुत गुना, जितना एमपीसी होगा। अपन इससे पहले वाली वीडियो में देखा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी मल्टीप्लायर, तो उसमें अपन क्या देखते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी वैसे ही क्या बढ़ेगी? लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। तो जैसे लोगों की इनकम बढ़ी तो क्या करेंगे? वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो वो इस चीज़ में यूज़ हो जाता है। अब बात करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये भी सेम फंडा है। इसमें भी क्या हो रहा है, अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर अगर इन्वेस्टमेंट करेगा उससे क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ जाएगी और उससे भी क्या होगी? कंजम्पशन ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं ड्यू टू फॉल इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स में फॉल होना। अब बात करते हैं इम्पोर्ट क्या होता है। इम्पोर्ट मतलब वो चीज़ होती है जो अपन बाहर के देशों से मंगाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इम्पोर्ट होती है, उसको अपन इम्पोर्ट कहते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं। अब जब इंसान इम्पोर्ट नहीं करेगा, बाहर से कोई चीज़ें नहीं मंगाएगा, तो डिमांड कहाँ पे करेगा? अपने घर पे करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये इकोनॉमी है, ये मेरा घर है, अब मेरे घर में जो चीज़ नहीं है उसकी डिमांड मैं कहाँ करूँगा? बाहर से करूँगा। अब मैं बाहर से चीज़ें ला नहीं सकता, अब मेरे को कहाँ पे करनी पड़ेगी डिमांड? घर पे करनी पड़ेगी। अब अगर घर पे डिमांड करूँगा मैं तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, मतलब एक्सेस डिमांड हो जाएगी वो अपनी। तो जैसे ही फॉल होगा किसमें? इम्पोर्ट्स में, अपने घर पे डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब अपनी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी। ड्यू टू राइज इन एक्सपोर्ट, अब अपन बात करते हैं एक्सपोर्ट में राइज होने की वजह से कैसे डिमांड बढ़ती है, ठीक है। एक्सपोर्ट में राइज होने की वजह से ऐसे बढ़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है 200 टन व्हीट, अब अपन ने क्या किया, इसमें से 20 टन अपन बाहर सप्लाई कर रहे थे तो अपने कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्या कर रहे हैं, अपन को ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, ये 20 टन की जगह अपन 50 टन एक्सपोर्ट करने लग गए। तो जब अपन एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तब तो अपने घर में तो माल कम बच गया ना, जब अपने घर में माल कम बच गया तो अपन क्या करेंगे? एक्सेस डिमांड करेंगे, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब डिमांड तो मान लो अपन यही मान सकते हैं कि डिमांड उतनी ही है, बाकी एक्सपोर्ट करने से अपनी सप्लाई कम हो जाती है, अब सप्लाई कम हो गई तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे अपन बात कर सकते हैं, मान सकते हैं।
अब ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है एक तरह से गवर्नमेंट का लोन। गवर्नमेंट जब लोन लेती है इकोनॉमी को चलाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उसको अपन नाम देते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग को अभी एक काम करो, गवर्नमेंट को रखो साइड में, अपन ऐसे इंडिविजुअल बेस पे देखते हैं। इंडिविजुअल बेस पे कैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी पर कोई पर्सन है, उसकी 10,000 रुपीस इनकम है, ठीक है। अब उसकी इनकम है इतनी, अब वो सारे जो भी खर्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो क्या करेगा, लोन लेगा। किसी से भी ले, अपन को उससे मतलब नहीं है, बाकी वो क्या करेगा, लोन लेगा। और वो क्या ले रहा है, 5,000 रुपये का लोन ले रहा है, तो ये कितने हो गए, 15,000 हो गए। 15,000 से वो अपनी सारी डिमांड पूरी करेगा, ठीक है। तो जब ये 5,000 रुपीज़ ये लोन ले रहा है, तो ये 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा की वो डिमांड कर रहा है ना, समझ रहे अपन बात को। वो 10,000 की डिमांड कर सकता था, बाकी वो डिमांड कितनी कर रहा है, 15,000 की कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है। अब जैसे अपनी इंडिया है, इंडिया है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में अपन ऐसा मानते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट बजटिंग करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। मतलब उसका लगभग 20% या फिर 40% जो हिस्सा है वो लोन के जरिए आता है। मतलब अगर वो 100 रुपीस का खर्चा कर रही है, तो 100 रुपीस में से 40 रुपीस उसके क्या है, लोन लिए हुए पैसे हैं। तो इसमें बात करते हैं अपन डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन लेकर के एक्सपेंडिचर कर रही है। तो जब लोन लेकर के एक्सपेंडिचर करेगी, तो ये 40 रुपये जो एक्स्ट्रा का वो लोन ले रही है, तो वो 40 रुपये एक्स्ट्रा की डिमांड भी करेगी, समझ रहे अपन बात को। जब वो इतनी एक्स्ट्रा डिमांड होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, वो खर्च ही करेगी ना कहीं पैसा, तो उससे क्या बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। इससे भी क्या हो सकती है, एक्सेस डिमांड हो सकती है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, मतलब एक्सेस डिमांड होने के क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं इकोनॉमी पे या फिर किसी भी चीज़ पे। अपन इसको तीन चीज़ पे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आउटपुट पे, फिर अपन देखेंगे एम्प्लॉयमेंट पे, और फिर अपन बात करेंगे जनरल प्राइस लेवल की। अब अपन बात करते हैं, अपन ने इसका कर्व देखा था, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। अब ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसे ही यहाँ पे थी, क्या था यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम, तो इन चीज़ों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सप्लाई चेंज हो ही नहीं रही है। अपन किसकी बात करते हैं, किन्स की बात करते हैं, किन्स की बात कर रहे हैं, और किन्स क्या मानते हैं, शॉर्ट रन। तो मतलब शॉर्ट रन में चाहे कुछ भी हो जाए, सप्लाई नहीं बढ़ती इतनी जल्दी, ठीक है। सप्लाई बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म का टाइम चाहिए होता है। अब क्या होता है, शॉर्ट टर्म में सप्लाई बढ़ेगी नहीं, तो क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसलिए अपन क्या मानते हैं, आउटपुट डज नॉट इफेक्ट बिकॉज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अपन क्या कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितना अपन कर सकते थे। मतलब अगर वीट की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 200 टन, तो अपन 200 टन पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर अपन यहाँ पे 100 लेबर लगा सकते थे, तो अपन ने 100 लेबर लगा दिए हैं। तो ये दोनों क्या है, अपन पूरी तरह से यूज़ कर पा रहे हैं, अपने पास 101वा लेबर है ही नहीं, और इसमें से भी अपन 201 टन प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। मतलब इतनी अपनी कैपेसिटी ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, अपना आउटपुट जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, समझ गए अपन बात को। अब अपन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, डजंट इफेक्ट बिकॉज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अपन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई बात करी कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, अपन ने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं बचा है जिसको एम्प्लॉयमेंट देना बाकी हो, यानी जिसको जॉब देनी बाकी हो, ठीक है। अब थर्ड चीज क्या है, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन गैप, प्राइस इन प्राइस। अब इसके जरिए क्या होगा, जब भी अपनी डिमांड बढ़ेगी, ये डिमांड बढ़ी तो अपन ने देखा इससे क्या बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मतलब प्राइजेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन यानी प्राइस बढ़ना। तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जनरल प्राइस लेवल पे पड़ेगा। जनरल प्राइस लेवल में क्या होगा, प्राइजेस बढ़ जाएगी। तो आज की वीडियो में अपन ने ये देखा, क्या क्या देखा, अपन ने देखा एक्सेस डिमांड क्या है, फिर अपन ने देखा उसका कर, फिर अपन ने देखे उसके रीजंस, और अब देखे इसके इम्पैक्ट्स। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो, मैक्रो एंड स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।